नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं वहाँ पर एक एजुकेटर भी हूँ, जहाँ पर मैं UP SSC के वीडियो सेट, प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, तो आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे रखा है। 5 कोर्सेज बनाए हैं, 50 से 60 से ज़्यादा वीडियो वहाँ पर अपलोड कर रखे, तो वहाँ पर आप क्लिक करके हमको फॉलो कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ का फ़ायदा वहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए आते हैं आज के वीडियो पर। तो आप सबको पता है कि UP SSC वीडियो का जो एग्जामिनेशन है वो होने वाला है 22 और 23 दिसंबर को, और काफ़ी सारे लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भर्ती परीक्षा जो होगी वो तो लीक हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे और कड़े इंतजाम किए गए हैं, आप सबके लिए खुशखबरी है। जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए तो खुशखबरी है, लेकिन जो लोग नकल के भरोसे बैठे रहते हैं उनके लिए खुशखबरी नहीं है। काफ़ी सारे लोग मुझे पता है वीडियो डिसलाइक करेंगे, वो वही डिसलाइक करेंगे, वही उल्टे से कमेंट करेंगे जो नकल के भरोसे बैठे थे, जो जिनको लग रहा था कि हम 15 लाख देकर के पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो न्यूज़ आई है वो ये है कि भर्ती परीक्षाओं में लॉटरी लगेगी, कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लॉटरी से लगेगी। मतलब यहाँ पर फिक्स नहीं है कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन कक्ष निरीक्षक होगा, या मतलब ये नहीं कि पहले से फिक्स करके बैठा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देखिए, बहुत ही विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे आयोग ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है, प्रश्न पत्रों को सीलबंद लिफाफे को स्टील के बॉक्स में रखा जाएगा, इसके बाद उसको सील करके भेजा जाएगा। पिछली परीक्षा में यह प्रयोग किया गया था, अब इसे सभी परीक्षाओं में लागू किया जाएगा। इससे बड़े बॉक्स की चौबी एक छोटे दूसरे बॉक्स में रहेगी। यह जो छोटा वाला बॉक्स होगा नंबर से लॉक होगा। छोटे बॉक्स को खोलकर चौबी निकालने के लिए लॉकिंग नंबर परीक्षा वाले दिन ही सुबह मजिस्ट्रेट को बताया जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो होगी वो आपकी वीडियोग्राफी के मतलब उस समय पूरा कार्यवाही जो होगा उस वीडियोग्राफी के अंतर्गत होगा। इसी सभी परीक्षा के केंद्रों तक, इसी प्रश्न पत्र को सभी परीक्षा के केंद्रों तक पहुँचाया जाएगा। इस प्रयोग से ट्रेजरी से परीक्षा केंद्र तक पेपर लीक होने की संभावना नहीं रह जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 सेट होने पेपर के होंगे, और तीनों सेट में परीक्षा के दिन ही पता चलेगा कि कौन सा सेट पेपर में दिया जाएगा। मतलब परीक्षा के दिन ही पता चलेगा, उसके पहले नहीं पता चलने वाला है। तो ये सारी खुशखबरी आप सबके लिए जो बार बार कमेंट करके पूछते रहते सर क्या होगा, पेपर में पेपर लीक हो जाएगा, पेपर में घोष चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। बट आप लोग यार तैयारी करो, निगेटिविटी की तरफ ध्यान मत दो, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दो, और अपने पेपर में अच्छे से अपना बेस्ट देकर के आओ। यार जितने लोग पास होते हैं, जो लोग नौकरी पाते हैं, जरूरी नहीं कि सारे के सारे लोग घूस देकर के ही या पेपर लीक नकल करवा के ही पास होते हैं। जो लोग दंगा फसाद करते हैं, जो लोग उल्टे सीधे चीज़ें करते हैं ना, वो वही होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते, उनका नंबर कम आ जाता है, समझ गए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसके अलावा मैं अपने चैनल पर जो तैयारी करवा रहा हूँ UP SSC वीडियो की, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी तरह के स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।